इजराइल को पिछले 50 सालों के इतिहास में सुरक्षा पर सबसे खतरनाक हमलों में से एक का सामना करना पड़ा। हमास ने इजरायली सुरक्षा को कमजोर करने के लिए रॉकेटों की बौछार की और पैराग्लाइडर, मोटरबाइक और चार पहिया ड्राइव वाहनों का इस्तेमाल किया। हमास ने कस्बों और समुदायों को तहस नहस कर दिया, कई लोगों को मार डाला और दर्जनों को बंधक बना लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमास के पास ये विस्फोटक हथियार पहुंचे कैसे? इसका जवाब है सुरंग, जिसके नीचे चोरी छिपे लिखी गई इसराइल में आतंक मचाने की कहानी। इसराइल डिफेंस फोर्स की वेबसाइट के मुताबिक हमास का सुरंग नेटवर्क वास्तव में एक विशाल भूमिगत शहर जैसा है, जिसके रास्ते गाजा में कई जगह खुलते हैं। हमास इन सुरंगों का उपयोग हथियार भंडार, बंकर, कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चर सहित आतंकवादियों और हथियारों के लिए एक गुप्त परिवहन मार्ग के तौर पर करता है। इनमें से कुछ सुरंगें गाजा से सीधे सीमा के पास इजरायली समुदायों तक जाती हैं, जिससे आतंकवादियों को घुसपैठ करने, अपहरण करने और इजरायली नागरिकों पर हमला करने में मदद मिलती है। दरअसल साल 2005 में इजरायल ने गाजा को छोड़ दिया था। इजरायल के गाजा से हटने के बाद हमास ने ईरान से रॉकेट, विस्फोटक और अन्य उपकरण आयात करना शुरू कर दिया। उन्हें सूडान के माध्यम से भेजा गया, मिस्र में ट्रक से ले जाया गया और सिनाई पेनिनसुला के नीचे संकीर्ण सुरंगों के नेटवर्कों के जरिए गाजा में इनकी तस्करी की गई, जिसके जरिए इसराइल को बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी की गई। सुरंग के जरिए हमास ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया और इसराइल को कानो कान खबर नहीं लगी। यही नहीं, इन हथियारों की तस्करी के बाद हमास ने पूरे प्रोसेस के साथ आतंकी भी तैयार किए। हमास की एक सैन्य प्रशिक्षण अकेडमी भी है और गाजा पट्टी में हमास के करीबी सूत्र के अनुसार उनकी एक मिनी आर्मी है, जिसने इसराइल में आतंक मचाने का काम किया।